सो गाइस ये रहे उसके थैले, ये देख, ये देखो बाहर का आनंद। सो दोस्तों हमारा आ गया है, ये देखो। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस हमारी पड़ रखी है छुट्टियां, तो हम लोग हैं घर पे अभी, और मैं घर पे एकदम पक गई हूँ यार। और अभी मैं उठी हूँ, मतलब अभी नहीं उठी, मैं 1 घंटे पहले उठ चुकी हूँ, बट मैंने अभी तक मुँह हाथ नहीं धोया कुछ भी, और मैंने बाल भी नहीं बनाए अभी तक, वो बस मैंने सेट कर रखे हैं अभी। और अमन गया है स्कूल, तो इसलिए थोड़ी शांति हो रखी है घर पे। और यार मैं घर पे एकदम पक गई हूँ क्योंकि छुट्टियाँ पड़ रखी हैं आजकल, और अभी तक हमने होल्ड वर्क शुरू भी नहीं किया क्योंकि अभी तक लिस्ट लगी नहीं है ट्रांसफ़र की, और जब तक ट्रांसफ़र का पता चलेगा तब तक हम लोग होल्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सोचो ट्रांसफ़र हो गया तो हमें वहाँ का होल्ड वर्क भी करना पड़ेगा, तो दो काम तो नहीं कर सकते, इतनी मेहनत तो नहीं है हम, तो इसलिए हम लोग कर ही नहीं रहे अभी। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तो मैं आपको मिलती हूँ अभी नहाने के बाद। सो गाइस फाइनली मैंने नहा लिया है, और मैंने आपको कहा था कि मैं नहा के आने वाली हूँ 10 बजे, मतलब 10:55 पे कहा था मैंने, और अभी बज गए हैं 2, तो 2 बजे मैं नहा के आई हूँ, और तब से मैं टाइम पास कर रही थी, मेरे को लगभग 4 घंटे हो चुके हैं तब से, और तब से मैं कभी ऐसे ही घूम रही थी, कभी कुछ कर रही थी, और फिर मैं बाद में बाज़ार चली गई थी बीच में, इसलिए मेरे को लेट हो गया ज़्यादा। तो अभी अमन के स्कूल का आने का टाइम हो गया है, तो जब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी उसे, तो अभी तो शायद आ रहा होगा, तो जब वो आएगा तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। सो दोस्तों अमन आ गया है, ये देखो। सो गाइस ये देखो अमन आ गया है स्कूल से, और अमन की हालत देख सकते हैं आप, स्कूल से आने के बाद ये हाल होता है। हाय अमन, हाँ तो बोल दे उनसे, कम लगता है स्कूल से। अरे फिट क्या आया, ये फिट क्या आएगा अमन स्कूल से आने के बाद, बन के यहाँ रहते देख सकते हो आप क्या हाल है बन के। मरी भी लास्ट की तरह लेट रखा है गाइस, ये देखो अमन के घर के आने के बाद क्या हाल होता है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ अमन क्या कर रहा है। नंगा हो रहा है, बेशरम की तरह खा रहा है यहाँ पे नंगा होके, इसको बेशरम को। अमन रोज यही करता है, ये आज के दिन की बात नहीं है, रोज का। और प्रीति जी बर्तन धुल रही है। अबे काम करते हो, दिखाई दोगे तो खुश होना चाहिए, लोग ले जाएगा तू काम करती है, पहली बार धुल रही है फिर भी। हाँ, चल तू मैं दिखाती भी नहीं ना धुलती हूँ तो निकल गजब बेइज्जती है। सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, और मैंने आपको दिखाया कि अमन क्या कर रहा था, और उसका वो रोज का ही काम है क्योंकि वो रोज ही करता है, कोई आज का डे आज का नहीं है उसका, मतलब उसका रोज का ही है कि रोज वो स्कूल से आता है तो यही हालत रहती है उसकी रोज की। और अभी पंखे से भी इतनी गर्म हवा आ रही है ना, मतलब प्रेमनगर की साइड बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जितना अगर आप हाथीबड़कर की साइड से देखोगे तो इस साइड ज़्यादा गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, और अगर आप 2 मिनट बिना पंखे के रहोगे ना, मतलब पसीना हो जाएगा इतना, इतनी गंदी गर्मी हो रही है यहाँ, और अगर बाहर चले गए फिर तो पता नहीं क्या ही होगा भाई इंसान का, इतनी गंदी गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी आपको एक बात नहीं पता होगी शायद से, कि प्रीति जा रही है शादी में गाँव, थोड़ा मेकअप पोत रही है वो, मतलब पानी पोत रही है, गर्मी लग रही है मुझे। सो गाइस मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि प्रीति जा रही है गांव क्योंकि इसके फ्रेंड की दीदी की शादी है, और वो मतलब मेरी भी दीदी रहती है वैसे तो, बट उसकी ज़्यादा करीब है, तो मैं उसका नाम लेना चाहूँगी कि ये जा रही है गाँव, मैं नहीं जाऊँगी, कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये अकेले जाएगी गाँव, और ये वहाँ बनाएगी शादी के व्लॉग्स, और ये मेरा फ़ोन लेकर जाएगी, तो मतलब तो 1 हफ्ते के लगभग मैं हो जाऊंगी बेरोजगार, क्योंकि अगर मेरे पास फोन नहीं रहेगा तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं किताबें लेके ऊपर चढ़ जाऊँगी पढ़ने के लिए, वो उस नाम का पढ़ना होता है, मैं पढ़ती नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, कम से कम सच तो बोल रही हूँ कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर पढ़ती हूँ तो मैं दिल लगा के पढ़ती हूँ, पास तो हो ही जाती हूँ, इतना पढ़ती हूँ।
गाइस हमारे घर में ऐसी लाशें पड़ी रहती है लोगों की ऐसी लाशें पड़ी रहती है, कभी किसी लड़की की, कभी किसी लड़के की, कभी गेंडे की, कभी हाथी की। ओ गुस्सा आ गया। और ये हमारे घर में हाथी पाए जाते हैं जो कि लेटे लेटे पानी पीते हैं। ढांचा देख रहे हो भाई जी, फैमिली पैक निकल रहा है यहाँ। गाइज आपको मैं एक बार बाहर का तापमान दिखा के आती हूँ। अंदर का तापमान तो बहुत गर्म है, बल्कि नीचे वाला फ्लोर है, फिर भी मतलब नीचे वाला फ्लोर में थोड़ी ठंडी होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक और फ्लोर है तो वहाँ गर्म होना चाहिए। यहाँ पर भी इतनी गर्मी है कि पंखा चलाना ही पड़ता है, मतलब 2 मिनट के लिए पंखा बंद नहीं कर सकते हम लोग। वो बात अलग है कि मम्मी बंद कर देती है पंखा। पहले मैं आपको बाहर का दिखा के आती हूँ, क्या धूप हो रही गंदी वाली। ये देखो बाहर का आनंद। अब मैं आपको पिया देख पूरा हकला, चलो पीछे से वो कड़कती धूप। ये देखो भाई यहाँ फिर छाव है, फिर यहाँ से बाहर का नज़ारा देखो। आय हाय 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 कितनी छाव है देखो जरा। और अमन को बहुत ऐसी ठंड तो वो बाहर आ गया धूप सेकने। देखो ओह अंदर आके ऐसा फील होता है ना कि आह हा हा। और यहाँ एक लाश पड़ी है, कोई बात नहीं इसको सोने दो। दिस इज रियलिटी, बट रियलिटी से अच्छी अगर अगर हम सामने से देखोगे तो लगता है हम अच्छे हैं, बट कैमरे में से लगती है इससे शक्ल की भूत बन जाता है। सो गाइस अभी हम लोग बनाने वाले हैं रील्स इंस्टाग्राम पे, वो भी शायद अगर मेरा मन करा तो, क्योंकि आजकल मैंने छोड़ दिया है क्योंकि अब मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। मतलब आता तो है यार, मेरा मन नहीं करता बनाने का। एक रील अच्छी बनती नहीं है, एक रील के लिए 100 टिकचे होते हैं पहले तो, और वो मुझे नहीं वो प्रीति को अच्छी होता है। इसको भाई ये एक रील के लिए 100 टेक लेती है और मैं एक रील के लिए ज़्यादातर मेरी एक रील एक टेक में बन जाती है, बट कभी कभार लग जाते हैं 10-5, बट सबसे ज़्यादा 8 टेक ये लेती है, ये बात सच है एकदम। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीति जा रही है गाँव, तो मैं आपको उसके थैले दिखाती हूँ कि थैले लेके जा रही है, ठीक है। बल्कि वो अकेले जा रही है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, बस आप लोग उसके कपड़े हैं। सो गाइस ये रहे उसके थैले, ये देखो इसमें है उसके हल्दी के कपड़े, इसमें है उसका लहंगा, इसमें है उसके घर के कपड़े जो मेरे घर में पहने की, और ये हैं उसके और कोई रस्में होती होंगी, मेहंदी वहंदी आई डोंट नो कौन सी होती है, बट उसके कपड़े ये देखो ये दो, और इसका लहंगा है ये, मतलब जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ, वैसे तो आप शादी के दिन देख ही लोगे पर फिर भी दिखा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। सो गाइस ये है इसका लहंगा जो कि मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकती बिकॉज इसको फोल्ड करते करते मेरे को बहुत साल लग जाएंगे, तो मैं नहीं दिखानी चाहूँगी खोल के, बस मैं ऐसे दिखा देती हूँ ऊपर से। मतलब बहुत अच्छा है शादी के दिन देखना अगर पहनेगी, अगर मतलब पहनेगी ही वो तो, बट देख लेना आप शादी का दिन। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, तो मैं इसको रख देती हूँ बैग के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा है। और ये है इसके साथ की चूड़ियाँ, तो इसको मैं रख देती हूँ वापस, क्योंकि इसको मैं दोबारा खोल के दिखाऊंगी तो फिर मुझको फ़ोन करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे ढंग से करना आता भी नहीं है, इसलिए मैं डाल देती हूँ इसको वापस। और ये फट के चुकी है पन्नी है, अब तो मैं गई काम से। तो गाइस मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आज के बाद शायद से हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि वो जा रही है गाँव और वो फ़ोन लेके जाने वाली है जिससे हम लोग वीडियो डालते हैं, और वो गाँव जाएगी तो गाँव में नेटवर्क भी नहीं होते हैं और उसको ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे नेट तो है नहीं, तो डालने के वीडियो बहुत दिक्कत रहेगी। तो अगर वीडियो लेट भी आएगी तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। और अगर शायद वीडियो ना भी आए, कोई भरोसा नहीं है, वो डालेगी भी डालेगी, वो तो उसकी मर्ज़ी है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर नेट चलाने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ता है। मतलब हमने आपको दिखाया होगा, अगर आपने हमारे गाँव के ब्लॉग देखे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ऊपर जाना पड़ता है वीडियो डालने के लिए वहाँ पर, फिर नेट चलाने के लिए। तो शायद से वीडियो आ भी सकती नहीं भी आ सकती है एक हफ्ते तक, ऐसे तो मेरे ख्याल से डाल देगी वो वीडियो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वीडियो नहीं भी आती है तो देख लेना प्लीज़। सो गाइस भी ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जिस वीडियो में घंटी है
दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए आप लोग सबसे पहले देख सके। तो हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।